अरे कोई नहीं बॉस, कर लेंगे ना हम, आप पैसे क्यों ले रहे हैं। बॉस आपके ऑफिस में सबसे जिम्मेदार आदमी हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए। क्या बॉस, ऐसा कुछ नहीं है बॉस, कितना ईमानदार आदमी ना, आपको पता होना चाहिए कितना काम करते हैं आपके ऑफिस में, आपको भले मेरा कदर नहीं है। ठीक है ना बॉस, कर लेंगे। क्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये बॉस का झिक 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 डेली का डेली का। पता भाई, अगर हम ना ऑफिस में जाए नहीं ना तो काम नहीं होगा, कोई एक भी काम नहीं होगा। अरे पता है, अगर हम ऑफिस में चले, ऑफिस बंद हो जाएगा यार, दिमाग खराब कर देंगे लोग। मेरा वैल्यू ना पता नहीं यार, इतना बड़ा कंपनी को संभालने के लिए यार मेरे को रखा गया है, और इतना ज़्यादा काम करते हो ना भाई, क्या होता है, सारे स्टाफ ना मेरे को चाहता है, हमसे चाहता है। वहाँ की यार, वहाँ के जो बॉस है ना, मेरे पे लटू है, ऐसा मेरे को क्या कर दिया, अब नहीं आएंगे सर, उसको दिक्कत हो जाता है, मेरा जलवा भी रहा। अरे लड़कियाँ ना, मेरे फ्लैट है, कितना मेरे को ऊपर पूछ कर दी, लेकिन हमने मना कर दिया। सख्त लाना, सख्ती कुछ चीज़ होती है भाई। छोड़ यार, ऐसे से क्या है, देखना मेरे मेरे कारण ऑफिस चल रहा है, ऐसे तो क्या पता नहीं क्या हो गया था। हाँ तो मिस्टर राहुल, कॉल पे बात करने के बाद फोन कट भी किया जाता है, ये कंपनी आपकी वजह से चलती है। सॉरी मैम। यहाँ की लड़कियाँ आप पे मरती हैं। सॉरी मैम। मैं आपको, आप क्या बोल रहे थे कि आप पे आपकी बॉस फिदा है? मैं आपको फिदा हूँ? सॉरी मैम, कंफ्यूज हो गई। आपको मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बोला था, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लेके आए। What is this, Mr. Rahul? क्या है? Sorry man. नहीं यार, बस तुम जाओ, तुम जाओ मेरी कंपनी से, अब कल से मत आना। मैम प्लीज, सॉरी मैम, गलती सॉरी मैम, एक घंटा करके देंगे मैम, प्लीज कल से एकदम मत आना। अरे यार तुम जाओ यार, प्लीज प्लीज मैम जाओ, आई विल थ्रो यू आउट। हां प्लीज, हो जाएगा, मैं घंटा हो जाएगा, प्लीज सुनने में कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया क्या? जॉब से निकाल नहीं है, ठीक है, जॉब छोड़ दी है। ये छोटे मोटे जॉब के लिए हम नहीं बनाए, ठीक है, ये छोटा मोटा कॉर्पोरेट कंपनी अपना बड़ा तेज समझता है, अपना कंपनी बोले बड़ा कंपनी खोलेंगे। क्या हम ये बड़ा जी बन रहा है यार, ये क्या हो गया, 10,000 का नौकरी से बड़ा लाखों टन कमा रहा है, कैसा होता तुम? लेकिन बेटा तुमको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे मम्मी तुम्हें नहीं बोलती है, जो काम अच्छा नहीं लगता, जो चीज अच्छा नहीं तो छोड़ दो उसको, सिंपल से यार। वैसे तो तुम भी अच्छा नहीं लगते हो, क्या तुमको भी निकाल फेंक दूं? अरे खाना तो खा के जा। अच्छा लग रहा था, पेप्सी ले लेंगे। बहुत थक गया यार सो सो के, एक काम करते थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हाँ रोहित। अरे भाई तुम 150 रुपये नहीं देगा क्या मेरा? पिछले साल तुम दे दिया था। अरे भूल गया था भाई, ठीक है। अबे तुम गया नहीं कहाँ, इंटरव्यू देने? अरे गया थे यार, कोई ना था वहां पे, एक भी आदमी नहीं था वहां पे,
एक गार्ड था साथ में, बीड़ी पी वापस आ गया। एक था ही नहीं कोई। कितने बजे गया था भाई? रात के 9 बजे। रात को 9 बजे? अबे सुबह जाना था 9 बजे। सो जाना था तो अरे कितने अंकल चलेगा? अबे क्या आदमी है आप? अरे बात कर लेंगे यार। दस करोड़ का एवोल्यूशन, 2% इक्विटी। साला घर है कि जेल है, खाने के लिए बर्तन धुलवाते हैं। कभी तो लगता ही नहीं कि मैं इनका बेटा हूं, ऐसा लगता है कहीं से बाहर से उठा कर लेके आया। देखो प्रिया, सिर्फ ने नौकरी किया, हाँ पता है बेरोजगार हो गया, लेकिन ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम कहीं नहीं जाओगे छोड़ के। पता है तुम मेरे इस बुरे हालात में तुम मेरे साथ रहोगी। क्या तुम प्रिया नहीं पायल बोल रही हो? हाँ तो पायल, तुम पे भी भरोसा है, तुम भी मेरे साथ रहोगी इस बुरे हालात में। हेलो हेलो रस्टी में यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा यार, कुछ शुरू करना पड़ेगा, खुद से पैसा कमाना पड़ेगा, इज्जत ही नहीं है घर में, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम चाय का बिजनेस करते हैं तो एक कप बनाने में मान लो 3 रुपये खर्चा होता है, 2 रुपये मुनाफा होता है। दिन का अगर 500 कप भी बेचेंगे तो 1000 रुपये पर डे का, मंथली 30,000 रुपया, काफ़ी अच्छा है। भाई तू नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा, इसमें बहुत स्कोप है। देख भाई, नौकरी वगैरह में कुछ नहीं रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ले, बिल्डिंग बना, देख रहा है मेरे एम्पायर कितना बड़ा है, बहुत पैसे हैं, नौकरी वगैरह छोड़ दे। अगर मैं होटल भी खोल लूँ तो काफ़ी स्कोप है यार, खाने को कौन ही मना करता है। जानता है भाई, दुनिया में ना कामयाब लोग को बहुत इज्जत है, हम जैसे हो गया है। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, क्यों? जॉब नहीं, बेरोजगार हो, घर वाले बात नहीं करते। क्यों? जॉब नहीं है, बेरोजगार, दोस्त लोग इज्जत नहीं कर रहे, जॉब नहीं है, पैसा नहीं देते, पार्ट टाइम में ले जाता, क्या करें, मर जाए, जीना छोड़ दें। अभी जिसके पास जॉब नहीं है, काम नहीं करता, तो क्या जीता नहीं है? मैं जीता ही है, इतना क्यों स्ट्रेस लेता है भाई? है भाई स्ट्रेस बहुत है, हम दोनों की सेम कहानी है। अकेला नहीं इस दुनिया में, तुम्हारे पास चंगा मैं, मेरी वाइफ चली गई छोड़कर। क्यों? यही जॉब की वजह से। भाई जॉब नहीं है यार, कामयाबी कैसे मिलेगा भाई? बेरोजगार लोगों को जीना भी इम्पोर्टेंट होता है ब्रो। हम एक बेरोजगार सभा बनाएंगे जिसमें सिर्फ बेरोजगार लोग रहेगा, उन लोग जिएगा अपना मर्जी से, जिएगा जैसा वो जीना चाहता। सही बोला। मैं ना पूरे दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जो भी रोजगार है उसका अपना इज्जत है भाई, सबको अपना इज्जत मिलेगा। क्या हुआ आज बेरोजगार है तो हो ना जाओ बेच पूरा भाई। तो बैठ बैठ बैठ, काफ़ी नशा में बैठ, बात करते हैं, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। अरे स्ट्रेस नहीं ले कैसे नहीं, मेरा साला शादी नहीं हो रहा, जॉब की जॉब नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, लंगड़े को लूल्हे को पहले को शादी हो रहा, फिर भी तुम तो उसे हैंडसम हो। सेम है, क्यों नहीं शादी हो? सेम है, अभी जाता है, कल मेरा इंटरव्यू है, तो सुबह सुबह जाना है, इंटरव्यू देना है, क्रैक करना है मेरे को जॉब के लिए। चल भाई गुड नाइट, बोलते ही सब पी जाते हैं आराम से। गुड नाइट ब्रो। गुड नाइट, गुड नाइट। चंद की पकड़ लेके टेंशन।
ना जॉब मिल पा रही है, ना बिजनेस हो पा रहा है, ना कोई कमाई का सोर्स हो पा रहा है। कैसे होगा यार, कैसे करूँ यार, क्या करना चाहिए यार। भाई हम भी चलेंगे, भाई हम भी चलेंगे। तो शाम को 500 रुपये जुगाड़ कर लेना, क्योंकि एंट्री फीस 500 रुपये है, और अगर चल रहा होगा तो शाम तक पेमेंट कर देना। 500 तुम तो डल है। अरे हम चलेंगे भाई। अरे कट। यार आएगा कहाँ से, ये 500 रुपये जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। इतना गरीबी आ गया मेरे में, लालत यार मेरे पे, एक 500 रुपये जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। क्या जिंदगी हो गया है मेरा, इससे अच्छा तो यार जिंदगी रहे ही नहीं। कितना वाहियात हो गया है, क्या धज्जिया उड़ गया है मेरा यार, कैसे होगा। भाई 1000 का पंखा था यार, और भैया ये टूल था, दो जगह यार 200 तो और दो देना है, तो दो है तो जा रहे हैं। चल ठीक है। क्या लगा अबे बेरोजगार हूँ, बेवकूफ नहीं, चल मैं कर। ए टोनी कसला था हम लसरे वाजों की।